मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। बाबा के एक भक्त शिव नारायण टंडन पूर्व सांसद कानपुर में रहते थे। उनके भतीजे की तबीयत खराब थी, उन्होंने मुंबई से डॉक्टर भोसले जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, बहुत ख्यात प्राप्त डॉक्टर हैं, उनको बुलाया। डॉक्टर साहब इलाज करने के लिए जब उनके घर पर आए तो उन्होंने एक संत की तस्वीर देखी वहाँ पर। उन्होंने पूछा कि ये कौन से संत हैं, कहाँ के बाबा हैं। तो टंडन साहब ने बताया कि वो नीम करोरी वाले बाबा हैं, बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं हमारे। उन्होंने कहा कि इनसे कहीं मुलाकात हो सकती है। उन्होंने कहा हाँ, आजकल मेहरोत्रा जी के यहाँ लखनऊ रुके हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम भैया का ट्रीटमेंट किए दे रहे हैं और हमको आज लखनऊ पहुँचना है, बाबा के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या आप पहले भी कभी मिल चुके हो। डॉक्टर भोसले ने बताया कि बहुत ही गहरी याद हमारी जुड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा कि क्या कहानी है वो। तो उन्होंने जो कहानी बताई वो मैं आज आपको सुना रहा हूं। डॉक्टर भोसले आजादी के लड़ाई में अपनी सक्रिय भूमिका रही उनकी। 15 अगस्त 1947 को जब आजादी मिली है, उससे पहले हमारे यहाँ सुनता सेनानियों ने बड़ी बड़ी दिक्कतें उठाई। डॉक्टर भोसले भी उनमें से एक रहे। बात उस समय की है कि जब डॉक्टर भोसले छिपते छिपाते ऋषिकेश पहुंच गए थे। आज़ादी की गतिविधियां चलाने में सुनता सेनानियों को छिपना पड़ता था, रुकना पड़ता था, कहीं कहीं जाने कितने कष्ट उठाने पड़ते थे। तो उस समय पुलिस का डर रहता था, अंग्रेजी शासन था। डॉक्टर भोसले ऋषिकेश में एक धर्मशाला में छिपे हुए थे। कोई मौका नहीं मिल रहा था जहां उन्हें भोजन तक मिल पाए। एक दिन अचानक उनके कमरे का दरवाजा किसी ने खोला। वो जो दरवाजा खोलने वाले थे वो वही संत थे जिनका चित्र टंडन साहब के यहां लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि संत आए, उन्होंने कहा अरे तुझे तो बड़ी भूख लगी है, कई दिनों से तूने खाना नहीं खाया, मिला नहीं है, चल दूसरे कमरे में चल, तुझे खाना खिलवाते हैं। बिना जान पहचान के, कोई जान पहचान नहीं, कभी मिले नहीं, इस तरह जब बाबा ने कहा तो थोड़े सक जाए, लेकिन 3 दिन से उन्हें भोजन नहीं मिला था। डॉक्टर भोसले निकल के आए, उनके साथ दूसरे कमरे में बैठ गए, लेकिन अंदर से डर भी रहे थे, पता नहीं कौन हो। लेकिन जब पेट में शुदा जो भूख होती है वो आदमी को आगे बढ़ा देती है, और उन्होंने जब वहाँ देखा कि थाली तैयार है, खाना खाया। खाना खाते समय बाबा ने कहा कि यहाँ से अब तू भाग जा, पुलिस तेरे पीछे पड़ी है और जल्द ही पुलिस यहाँ आने वाली है, कहाँ जाएगा। डॉक्टर भोसले की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बताएं। बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुई बाबा ने कहा कि तू हिमालय से होता हुआ तिब्बत चला जा, तिब्बत में तू सुरक्षित रहेगा और तेरी कार्रवाई भी चलती रहेगी। खाना खाने के बाद डॉक्टर भोसले ने ऐसा ही किया, धर्मशाला से निकले और हिमालय होते हुए तिब्बत चले गए। उन्होंने वहां से अपनी जो क्रियाकलाप थे, आजादी की जो गतिविधियां थी, वो वहां से चलाई। जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, स्थितियां समकूल हो गईं, तब डॉक्टर भोसले भारत पुनः आ गए। तो वो एक याद थी, उस चित्र ने उन्हें दोबारा जगाया। बात करते करते गाड़ी में बैठ के लखनऊ आ चुके थे। लखनऊ बाबा के दर्शन किए, उनके पैरों को डॉक्टर भोसले ने बहुत बार बहुत आराम से हाथ में लिए रहे और उनको मसलते रहे, उनको दबाते रहे,
जैसे मालिश करते हैं वो स्थिति उनकी रही। बाबा ने पूछा, क्यों भाई आज आज तो नहीं भूखा है? उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उस चीज को भूले नहीं थे जहां उनके प्राणों पर बनाई थी, और बाबा ने वहां भोजन कराया और भोजन कराने के बाद निर्देश दिया कि वहां जाकर अपनी गतिविधियां चलाएं, आपकी जान भी सुरक्षित रहेगी और आपके काम भी बनते रहेंगे। ऐसे करते थे बाबा मदद। कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, और बाबा प्रकट हुए, मदद की और आगे बढ़ गए। बाबा सबकी मदद करें। ये कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।